नमस्कार एंड वेलकम टू ईगर बीवर एजुकेशन। आज हम ई दृष्टि का जून एडिशन 2018 इसको डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसका एक और वीडियो आएगा जिससे हम जून का ये एडिशन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एचडी कुमारा स्वामी जो अभी हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उसका आंसर है डॉक्टर पी परमेश्वरन। सो क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है याद करने के, तो हम आगे बढ़ते हैं। और गवर्नर कौन है वो पता होना चाहिए, वाजूभाई वाला। और डॉक्टर जी परमेश्वरन हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सो कौन है इनमें से जो कर्नाटका के गवर्नर? तो हमको पता है वाजूभाई वाला है जो कि कर्नाटका के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल सिंपोजियम हुआ था अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में, तो उसको किया किसके साथ गया था? नीति आयोग और विजन इंडिया फाउंडेशन ने ये वेंचर कैपिटल सिंपोजियम बनाया था। इसमें फ्रांस और इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को डीपन करने की बात हुई थी। और वेंचर कैपिटल सिंपोजियम जो है, ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल है तो वो किसको ज़्यादा बढ़ावा देगा? तो ऑब्वियसली स्टार्टअप्स प्रोग्राम को, तो ये स्पेशली स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए था और उनको आगे बढ़ावा और सपोर्ट देने के लिए ये सिंपोजियम बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वेंचर कैपिटल सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमको पता है नीति आयोग ने ये सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया था विद विजन इंडिया फाउंडेशन। नेक्स्ट है वुमेन्स सेफ्टी डिविजन, तो विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड अ वुमेन्स सिक्योरिटी डिविजन तो टू डील विद इश्यूज ऑफ वुमेन सिक्योरिटी? तो आंसर है होम मिनिस्ट्री, सी होम मिनिस्ट्री। तो उन्होंने एक नया डिवीजन क्रिएट किया है जिसका काम होगा कि वुमेन सेफ्टी को देखना और वुमेन सेफ्टी को लेके सारे एस्पेक्ट्स को ये जो कमेटी होगी, ये डिवीजन जो होगा उसे डील करेगा, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन एंड एडल्टी पर्सन, एंटी ट्रैफिकिंग सेल, मैटर्स रिलेटिंग टू प्रिजन लेजिस्लेशन एंड प्रिजन रिफॉर्म्स, ऑल स्कीम्स अंडर निर्भया, CCTNS और NCRB, ये सब इसके अंडर आएंगे। और इसको आयोजित कौन कर रही है? होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है फ्लैग होस्टिंग ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइकलर, तो सबसे लार्जेस्ट ट्राइकलर कहाँ पे होस्ट किया गया था? तो उसे होस्ट किया गया था डी तेलंगाना में, हैदराबाद में, तेलंगाना में वहाँ पे होस्ट किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि एनिवर्सरी जो थी 1857 की ऑन मे 10th, हमको पता है मे 10th 1857 को जो हमारी रिवोल्ट जो था वो उस दिन छिड़ा था, तो उसी को एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये फ्लैग होस्ट हुआ है हैदराबाद के तेलंगाना में। यहाँ पे लेंथ ऑफ द फ्लैग भी दिया हुआ है 183 feet और विड्थ है 122 feet। और इसको ऑर्गेनाइज किया था बाय वाइब्रेंट्स ऑफ कलाम। और इसको, इस फ्लैग को कंप्लीट करने के लिए 20 वुमेन ने स्विंग किया था उसे 20 दिन तक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ कंक्लूड हुई थी? तो वो लुम्बिनी में हुई थी, सी लुम्बिनी में। तो उस लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो ये क्यों हुई थी? क्योंकि 2562nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। थीम क्या थी? लुम्बिनी नेपाल, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड द फाउंटेन ऑफ बुद्धिज्म एंड वर्ल्ड पीस, ये इसकी थीम थी। पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना पता होना चाहिए कि लुम्बिनी नेपाल से ही रिलेटेड है, तो एग्जाम में आप मार्क कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि जो टीचिंग्स है लॉर्ड बुद्धा की उसको स्प्रेड करना, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड एंड को एग्जिस्टेंस, लव एंड पीस को। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड जोजीला टनल इन जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जोजीला टनल जो है वो जो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने वाला ये टनल बनाया गया है। ये 14 किलोमीटर लॉन्ग है और हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसको बनवाया किस कंपनी के असिस्टेंस से था। तो ILNFS जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो इस टनल्स को क्रिएट करती है और जो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड उसको ये देखती है। तो ILNFS की सब्सिडरी कंपनीज ने बनवाया था। तो हमको पता होना चाहिए ये 14 किलोमीटर लॉन्ग जुजीना टनल है, ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है, मतलब जाने का भी है और आने का भी है, तो दोनों तरीके का बाई डायरेक्शनल है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि इससे
जो कम्यूटेशन टाइम था जो 3.5 घंटे पहले लगते थे उसको 15 मिनट कर दिया है, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था है, क्योंकि पहले ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़ गिर जाती थी इस हाईवे पे, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कतें होती थी। और नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर विजिट टू नेपाल। तो इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ओली से मिले हैं तो वहाँ पे क्या क्या काम हुए थे। तो उन्होंने बायलेटरल मैकेनिज्म के ऊपर फोकस किया है, जो कि नेपाल इंडिया जॉइंट कमीशन एट फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री लेवल पे, तो एक जॉइंट कमीशन होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर्स और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो नेपाल में बन रहा है, बनने वाला है, उसका फाउंडेशनल स्टोन भी यहाँ पे लेट डाउन किया गया। इंडिया बना रहा है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में, ये 900 मेगावाट का होगा। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनकपुर और मुक्तिनाथ को विजिट किया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनकपुर है बर्थ प्लेस ऑफ सीता माता, एंड इसको जनकपुर को अयोध्या के साथ लिंक किया जाएगा और नेपाल इंडिया रामायणा सर्किट बनाया जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट बस सर्विस शुरू की गई है जनकपुर से अयोध्या के लिए। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पता चलना चाहिए यहाँ पे रामायणा सर्किट बन रहा है। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने स्टार्टअप रैंकिंग शुरू की है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क इशूड बाय DIPP, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, कि ताकि वो स्टेट को एसेस कर सके ऑन की एरियाज़ ऑफ इंटरवेंशन रिलेटिंग टू हेल्दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी वर्क पॉइंट्स एंड टोटल स्कोर ऑफ 100 पॉइंट्स विद 7 पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्टार्टअप रैंकिंग स्ट्रक्चर रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ, तो वो है इनका आंसर है 38। तो आंसर इसका 38 है, 38 एक्शन पॉइंट्स जो है इन्होंने अपने फ्रेमवर्क में रखे हैं, और ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जाना, बट तो पता होना चाहिए कि स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क किसने की है। अच्छा, हमने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा था, वो भी देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो विजिट पे थे नेपाल में, उन्होंने विजिट किया है और उन्होंने डायरेक्ट बस सर्विसेज शुरू किए कहाँ से कहाँ तक। तो आंसर है जनकपुर से अयोध्या तक। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने नहीं अटेम्प्ट किया था, तो वो था प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जुजीला टर्नल ऑन द श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे एट एन इवेंट। तो उसकी लेंथ कितनी है, 14 किलोमीटर, ये हमको मालूम है। सो, अब हम लोग आगे देखते हैं, हमने पिछले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6th US इंडिया एविएशन समिट हुई है, तो इसको पहले बात तो होस्ट किसने किया, USTDA, दैट इज US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको होस्ट किया, और ये कहाँ कंडक्ट हुई थी, ये मुंबई में कंडक्ट हुई है। ये US इंडिया एविएशन कॉपरेशन प्रोग्राम में है। ये इस तरीके के प्रोग्राम्स इसलिए होते हैं ताकि दो कंट्रीज़ के पब्लिक एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और रोबस्ट एविएशन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, इसका पता होना चाहिए कि इसको किसने किया था, US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने, और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है वेयर वॉज 6th US इंडिया एविएशन समिट हेल्ड, तो हमको पता है आंसर है डी, मुंबई। नेक्स्ट है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो 8 से 11 मई 2018 को फर्स्ट एडिशन हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ द 2 नेवल कमांडर्स ऑफ 2018। तो वो कहाँ हुआ है, उसके लिए पहले हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 2 साल में एक बार होती है ये नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और ये पहला एडिशन था ऐसा, और ये हुई है न्यू दिल्ली में। ये क्यों होती है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ताकि इंश्योर कर सके पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक विजन रखा था सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि हम यहाँ पे फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रांत, उसकी बात हो रही है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है विक्रांत। और नेवी ने एक इंडियन नेवल इंडिजिनस प्लान भी अपना प्रपोज किया है 2015 से 30 तक, ये 15 सालों के लिए है, और ये इनिशिएटिव इसलिए है ताकि इंडिजिनस हम अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके, और हम जितना बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपना डिफेंस के इक्विपमेंट्स उसे हम खुद बनवाएं, और वो भी MSME लेवल पे।
तो इसके ऊपर था, और इसको होस्ट किसने, आई मीन एड्रेस किसने किया है, ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि, और ये पहला एडिशन है तो ये पता होना चाहिए। और हुआ कहाँ पे था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा था कहाँ पे हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन सिटीज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो आउट ऑफ 20 14 इंडियन सिटीज़ है जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड के का नाम दिया है। उसमें बहुत सारी सिटीज़ यूपी की खुद की हैं, तो आप देख लीजिए। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि हर 10 में से 9 लोग ब्रीथ जो करते हैं वो हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स को ब्रीथ कर रहे हैं इंडिया में। और इसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से 70 लाख पीपल की डेथ होती है हर साल बिकॉज ऑफ आउटडोर एंड हाउसहोल्ड एयर पोल्यूशन। और उसके रीज़न क्या हैं कि जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में, जो पोल्यूटेड जो सांस ले रहे हैं वो हमारे लंग्स को और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को और काफ़ी डिजीज़ कॉज करती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक्स, लंग कैंसर, पल्मोनरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग निमोनिया हो जाता है। आउटडोर एयर पोल्यूशन 4.2 मिलियन लोगों को मारता है, मतलब 42 लाख पीपल को मार देता है, और 2016 का ये डेटा है। और हाउसहोल्ड जो पहले हमने डिस्कस किया वो आउटडोर था, सॉरी आउटडोर जो पोल्यूशन 42 लाख को मार देता है, और जो इंडोर है मतलब घर का पोल्यूशन 3.8 मिलियन लाख को मार देता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि हमारे सरकार ने ऐसा, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लिया है ताकि जो हाउसहोल्ड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अराउंड 3 बिलियन पीपल, दैट इज़ 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, उसके पास एक्सेस नहीं है क्लीनिंग कुकिंग फ्यूल का और टेक्नोलॉजीज़ का उनके घर पे। इसी वजह से हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि आज भी वो कोल से आग जनरेट करते हैं और उस पर खाना बनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गवर्नमेंट का कौन सा इनिशिएटिव है जो कि कुकिंग फ्यूल्स के लिए है और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए है। नेक्स्ट है, नेशनल कमेटी फॉर कॉमेमोरेशन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, तो हमको पता है कि अगले साल 150th बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, तो उसको चेयरमैनशिप किसने किया है, उसकी चेयरमैनशिप की है प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने। और इस कमेटी के 9 इंटरनेशनल मेंबर्स भी हैं, और उसको हमारे हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट ने उसको हेड किया है। तो हम एक बार पिछला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सिटीज़ इंक्लूड की गई हैं लिस्ट ऑफ द 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में, तो हमको आंसर पता है दैट इज़ 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एशिया पैसिफिक रीजनल ट्रेनिंग वर्कशॉप अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि ये स्टार मार्क्ड है तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली ऐसी ट्रेनिंग इंडिया में कंडक्ट हुई है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक रीजनल ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, और ये पहली ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप है जो इंडिया में हुई है। तो इससे ये और ये जो रीजनल वर्कशॉप है ये चौथी है इन सीरीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इससे पहले ये टर्की में, इथोपिया में और ब्राज़ील में हो चुकी है, और इंडिया में अब जाके हो रही है। तो ये जो कन्वेंशन के लिए इंडिया फोर्थ है सीरीज़ में, बट इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इस कन्वेंशनल के लिए इंडिया फोर्थ कंट्री है, बट इंडिया के लिए ये पहली बार ये वर्कशॉप कंडक्ट हो रही है। तो इस वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट 40 एशिया पैसिफिक नेशन से हैं, और स्पेशली 12 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया से रहे हैं जो कि उन स्टेट से रहे हैं जो कि बहुत ही प्रोन रहते हैं लैंड डिग्रेडेशन को लेके। और हमको ये पता होना चाहिए कि ये UNCCD जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये दिसंबर 1996 में हुआ था, और इसके सेक्रेटरीट जो है, मतलब इसका सेक्रेटरीट ऑफिस है, वो बॉन जर्मनी में है। तो हमको ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ईयर भी पूछ लेते हैं और कभी कभी सेक्रेटरीट भी पूछ लेते हैं। लास्ट ईयर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वेंशन पहली बार इंडिया में हुई है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस बार इंडिया में हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वॉज एशिया पैसिफिक रीजनल ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज अंडर UNCCD? तो आंसर है सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ कवर किया है इवन इन आर विजन IS के 2018 के अगस्त महीने के इकोनॉमिक सेक्शन में, उसको काफ़ी कुछ कवर किया है। इतना बस पता होना चाहिए कि कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर है जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने टैप करने को दे दिया है कोल बेड मीथेन को, और क्योंकि पहले कोल बेड मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती थी और उसको हम ना प्रॉपर एक्सप्लोरेशन कर पाते थे ना एक्सप्लोटेशन कर पाते थे, इसकी वजह से हमारी एनर्जी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। बट अब जो है इस चीज़ को लेकर रिलैक्सेशन मिल चुका है विद इन जो भी एक्ट्स थे, और अब CBD जो है उसके लिए ना परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से और उसका हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल के बारे में इसके बारे में जानना हो तो विजन IS का 2018 का अगस्त का जो मैंने वीडियो बनाया है उससे आप ज़रूर से देखें, वो ईगर बीवर एजुकेशन पे ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, अगेन ये स्टार मार्क्ड है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि 9th इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। तो क्योंकि ये एनर्जी डायलॉग है तो ऑब्वियसली इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ही जो भी मिनिस्टर्स होंगे वही आके मिलेंगे। तो जापान और इंडिया, यहाँ पे गलत दे रखा हुआ है, जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दोनों अब क्लीन और इकोनॉमिकल एनर्जी के लिए काफ़ी प्रोत्साहित है और काफ़ी इस चीज़ को प्रोत्साहित करना भी चाहते हैं। और बोथ द कंट्रीज़ ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो कि UNFCCC के अंडर है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके के कॉन्वेंशन ये लोग कंडक्ट कराते हैं ताकि एनर्जी को कैसे यूज़ में लाया जा सके और क्लीनर एनर्जी को कैसे यूज़ में लाया जा सके, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके ताकि हम डीकार्बोनाइजेशन कर सके, क्योंकि हाइड्रोजन एक सेफ गैस है, उससे एटमॉस्फेयर को कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो हाइड्रोजन के यूसेज को बढ़ाने के लिए और डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ग्रिड स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ग्रिड स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमको पता है कि जो क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है वो, तो हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है जिसको हम टैप कर सकते हैं, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं अगर हमारे पास ग्रिड नेटवर्क अच्छा होगा। उससे जो फार्मर्स हैं या जो लोग भी अपने रूफ टॉप पे भी जो सोलर पावर्स जनरेट करते जो लगाते हैं, तो एट नाइट के टाइम पे वो जो स्टोर्ड एनर्जी है जो उनके ग्रिड्स में है तो वो उसको रात में यूज़ कर सकते हैं, और जो फार्मर्स है जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इस सोलर एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे ग्रिड को, उसको ये बेच भी सकते हैं सरकार को और उससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स के लिए भी इन्होंने पॉलिसी डायलॉग करके रखा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ज़ीरो एमिशन व्हीकल जो कि हाइड्रोजन से ऑब्वियसली चलती रहेगी। बट इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको तुरंत ही इन्होंने हटा दिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एनर्जी मिक्स की भी बात हो रही है, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी इतनी भी ज़्यादा अभी मतलब इन द नेक्स्ट 20-30 इयर्स इतनी भी ज़्यादा नहीं हो सकती कि कोल को बिल्कुल ही एक्सटेंट कर दे। कोल तो हमेशा से ही प्राइमरी एनर्जी का स्रोत पहले भी रहा है और अभी भी है, बट रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी कुछ जो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट है कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कम कर सकता है। सेकेंड, अगर हम अच्छे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो हम कोल से भी जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी बेटर यूटिलाइजेशन और बेटर एफिशिएंसी ला सकते हैं। और 8th जो इससे पहले वाली जो इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग था वो टोक्यो में कंडक्ट हुआ था और इस साल न्यू दिल्ली में। सो जो इस बार का है क्वेश्चन कि 9th जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ है तो 8th कहाँ हुआ था, तो आंसर है बी, टोक्यो में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल में मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल 2018, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इवन UPSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई है तो वो स्वीडन में हुई है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने इंडिया को वहाँ पे
रिप्रेजेंट किया। इम्पॉर्टेंट ये है कि मिशन इनोवेशन जो है वो 23 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। तो मिशन इनोवेशन का फाउंडर मेंबर इंडिया है और स्टीयरिंग कमेटी का भी पार्टनर है। इस मिशन इनोवेशन का काम है कि ताकि ऐसे डिज़ाइंस को एक्सेलरेट किया जाए जो कि क्लीन एनर्जी इनोवेशन और को प्रमोट करे और गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस दे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो और इस तरीके की ग्लोबल कोऑपरेशन में। तो ये इसका काम है। इंडिया जो है वो लीड कर रहा है इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन चैलेंजेस इन स्मार्ट ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक फ्यूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स। ये भी रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया पावर इंडेक्स कौन कौन रिलीज़ करता है, इतना पता होना चाहिए। तो सिडनी के एक थिंक टैंक है लोई इंस्टीट्यूट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन रिलीज़ करता है, लोई इंस्टीट्यूट रिलीज़ करते हैं। तो 2018 के लिए इंडिया की पोजीशन क्या है तो हम देख लेते हैं। इंडिया की पोजीशन 4th है। टॉप किसने किया है? अमेरिका ने टॉप किया है। चाइना 2nd नंबर पे है, जापान 3rd पे है और इंडिया 4th पे है। तो कौन कौन से पैरामीटर लोई इंस्टीट्यूट देखता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, मिलिट्री कैपेसिटी, इकोनॉमिक रिलेशन, रिजिलियंस, डिफेंस नेटवर्क, फ्यूचर ट्रेंड्स और कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये उनके पैरामीटर्स हैं और इससे वो लोग रैंकिंग देते हैं। नेक्स्ट है 5th। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन, हाँ तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है तो इंडिया कौन सी पोजिशन पाया है, तो इंडिया 4th पोजिशन पाया है। नेक्स्ट है 5th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2018। तो ये जो 5th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ तो कहाँ हुआ? तो ये पहली बात तो हुआ तो कंबोडिया में, तो इसे कंबोडिया में हेल्ड किया गया है एंड इसको इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ कंबोडिया ने और CII जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। नेक्स्ट है 71st एडिशन ऑफ कान फिल्म फेस्टिवल को लेके, तो इस बार के रेसिपिएंट कौन है बेस्ट पिक्चर अवार्ड के लिए? तो उसमें है सी मानबिकी कोजुकू शॉपलिफ्ट के लिए। ये जापान की एक मूवी है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रिप्स CBD लिंकेज 2018। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार मार्क्ड है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रिप्स CBD, तो ट्रिप्स CBD क्या है? तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि CBD क्या है। तो CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये एक कन्वेंशन है जिसमें एक मल्टीलेटरल अग्रीमेंट होता है ऑन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनका जो बेनिफिट होता है, मतलब उनसे जो कोई बेनिफिट अगर हम निकलता है तो उसको वो सब में इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। सपोज़ कि अगर इंडिया के फॉरेस्ट में कोई ऐसा एक प्लांट ऐसा हो मिले जो कैंसर को बचा सकता है, मतलब जो कैंसर को रोक सकता है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया वाले मना कर देंगे कि नहीं ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही है और हम कहीं और किसी देश में और नहीं देंगे, और या फिर कोई स्टेट मना कर दे कि नहीं, सपोज़ वो महाराष्ट्र में अगर मिला तो बिल्कुल मना कर दे कि नहीं हम कभी आगे देंगे ही नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या ये सिर्फ इंडिया के लिए है, हम आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इनोवेशन ऐसा होता है जिससे कोई जिसका बिल्कुल बहुत लार्ज लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है तो उसको ये जो है अग्रीमेंट जो है उसके लिए है ताकि सबको उसके इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स मिले। तो ट्रिप्स CBD क्या है? ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अग्रीमेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि पिछली बार जो WTO की जो सेशन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि US काफ़ी नाराज था और वो उठ के चले गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा WTO के टूटने की बहुत सारी न्यूज़ थी और WTO बहुत वीक हो चुका है, इस चीज़ की बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे। तो इंडिया ने ये लीड किया है कैंपेन को। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रिप्स CBD जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, बिकॉज वो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ बायोपायरेसी। और इंडिया इज़ द लीडिंग इन द लीडिंग द कैंपेन टू रिज्यूम WTO डिस्कशंस
ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ पायरेसी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर जैसे कुछ मिल जाता है तो उसकी पायरेसी ना हो. तो जैसे अगर पायरेसी ना हो मतलब अगर कोई इनोवेशन या कोई ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसा है, सपोज़ कि हल्दी का यूसेज से, अगर सपोज़ कि अगर ऐसे टेस्ट हो जाते हैं कि वो किसी एक बीमारी को प्रिवेंट कर सकता है, और ये चीज़ जो है हम हमेशा से अपने यहाँ पे ये अपना के आगे बढ़ रहे हैं और ये ट्रेडिशनल है और हमेशा से ऐसी चलता आ रहा है. और हल्दी का यूज़ तो सबको ही पता है. अगर ऐसा कुछ ऐसी कोई डिज़ीज़ है जिसका क्योर हल्दी है, अब सपोज़ करिए कि कोई बाहर की कोई कंपनी है, उसने एक अपना वहाँ पे IPR लगा दिया, उसने कहा कि ये जो हल्दी है ये इसका यूज़ है और ये डिस्कवरी मैंने करी है आज, तो ये गलत हो जाएगा. क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा, पहली बात तो ये ठीक है हमने कभी पेटेंट नहीं करवाया हल्दी का यूज़, दो ये इंडिया का था, ये ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया की थी. हल्दी हम हमेशा से किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए यूज़ कर रहे थे. अब किसी दूसरी कंपनी ने, किसी दूसरी कंट्री ने इसको अपना पेटेंट करा लिया, उसने कहा कि नहीं ये तो मेरा इनोवेशन है, तो ये गलत है क्योंकि ये ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल नॉलेज है जो चलती आ रही है. तो इस पर बायोपायरेसी को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि ऐसा हुआ है. बाहर की कंट्रीज़ ने हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का वहाँ पे उन्होंने पेटेंट करवा लिए हैं. तो हमने अपने एविडेंस और प्रूफ दिए हैं हम लोग ने WTO में कि नहीं ये हमेशा से हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज इन फला फला डिज़ीज़ की ये क्योर जो है हमारे यहाँ पे हमेशा से रहे, हमारे आयुर्वेदा या फिर हमारे में बुक्स में लिखे गए हैं, तो ये पेटेंट वो नहीं करवा सकते. तो ये ऐसा हुआ है. तो इसीलिए इस पर डिस्कशन पे जो पायरेसी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके यहाँ पे काफ़ी इश्यूज चले हैं. नेक्स्ट है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया. तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कौन है, महातीर मोहम्मद है, इम्पॉर्टेंट है. ये 92nd ईयर के हैं, मतलब 92 ईयर्स के हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि कभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं. और ये सेकेंड टाइम ऐसा है कि ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, नाजीब रजक को रिप्लेस किया है. एक बार देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. तो पिछला क्वेश्चन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ट्रिप्स CBD लिंकेज की, वो कहाँ पे हुई है. तो वो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये जो फोटो बनी है तो ये हुई है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में. तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा मैंने आपको समझाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो स्टार मार्क्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो महाथीर मोहम्मद है मलेशिया की प्राइम मिनिस्टर, 92 ईयर्स के बंदे, और ये सेकेंड टाइम बने हैं. और जो उनको रिप्लेस किया है उनका नाम है नजीब रजाक. नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल 2018. तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने टॉप किया है. रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेकेंड नंबर पे आए हैं. और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ये 9th नंबर पे हैं. और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 32 नंबर पे हैं. और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद जो कि यंगेस्ट पर्सन है 8th नंबर पे हैं. ये सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं. नेक्स्ट है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो रही है बट इतना पता होना चाहिए कि इंडो चाइना इनफॉर्मल समिट कहाँ पे हुई थी. तो ये वुहान जो है चाइना में एक जगह है वहाँ पे हुई थी, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है 15th एशिया मीडिया समिट कहाँ पे हुआ था. तो 15th एशिया मीडिया समिट जो है ये भी नई दिल्ली में हुआ था. तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है एशिया मीडिया समिट, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जो कि लोकेटेड है कुआलालंपुर में. तो ये यहाँ मलेशिया के कुआलालंपुर में ये स्थित है और ये काफ़ी रिप्यूटेड है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. ये पहली बार ऑर्गेनाइज हुई है इंडिया में और जिसकी नेक्स्ट समिट प्रपोज्ड है फिलीपींस में. बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लाइमेट समिट में. तो जो नेक्स्ट क्लाइमेट समिट है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है सितंबर 2019 में. तो वो न्यूयॉर्क जो कि USA में वहाँ पे होने वाली है. इंपॉर्टेंट है इतना पता होना चाहिए. ये सब क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. तो 2019 में कहाँ हो रही है, न्यूयॉर्क में USA में. तो ये पता होना चाहिए. अगेन स्टार मार्क्ड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ कॉमनवेल्थ हेड ऑफ जो गवर्नमेंट 2018 कंक्लूडेड. तो ये कहाँ हुआ था, तो ये 2018 का लंदन में हुआ था. आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्वीन जो है लंदन ये ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, उनसे वो मिले. तो
इस ये काफ़ी पिक्चर जो है वो पब्लिश हुई थी और काफ़ी न्यूज़ में थी, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो 25th, पहली बात ही कौन सी नंबर कौन सा है, 25th नंबर है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है वो लंदन में यूके में ये कंक्लूड हुई थी। थीम क्या थी? टूवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर। और डिस्कशंस जो थे वही अगेन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स के ऊपर ये काफ़ी डिस्कशन हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कॉमनवेल्थ समिट में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और ये पहली बार ऐसा है कि यूनाइटेड किंगडम जो कि अब सेपरेट हो चुका है यूरोपियन यूनियन में, इस समिट का पार्ट बना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और 26 जो ये मीटिंग होगी वो होगी 2020 में अगेन, और रवांडा में होगी, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि रवांडा की कैपिटल क्या है तो अच्छा होगा। आप इसको अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और देख रहे हैं वीडियो को तो आप ज़रूर कमेंट करें कि रवांडा की कैपिटल क्या है। मैं आपको हिंट देती हूँ, उसका नाम के से शुरू होता है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन डेथ पेनल्टी 2017। तो ये एमनेस्टी ने ये एक डेथ पेनल्टी के ऊपर रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना में सबसे ज़्यादा पर्सिक्यूशन होता है, मींस मार दिया, हैंग कर दिया जाता है, डेथ पेनल्टी वहाँ सबसे ज़्यादा अवॉर्ड की जाती है चाइना में, उसके बाद ईरान, फिर सऊदी अरेबिया, इराक और पाकिस्तान। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो विच कंट्री जो कि सेकंड प्लेस पे आई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो फर्स्ट में चाइना है तो सेकंड में ईरान है, तो आंसर है ए ईरान, सॉरी सी ईरान, सी ईरान। अब पिछले क्वेश्चन का भी हमने आंसर किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, इतना पता होना चाहिए, बीजिंग चाइना में, वहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट ये भी है कि FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो उसके बारे में है, व्हाट पोजीशन इंडिया हैज़ गॉट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स 2018 इशूड बाय ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म AT किर्नी इन मई 2018। तो ये जो कंसल्टिंग फर्म है उसने इंडिया को क्या रैंक दी है FDI ट्रस्ट इंडेक्स में, तो इसकी रैंकिंग 11th है, लास्ट ईयर इसकी रैंक इंडिया की रैंकिंग 8 थी और इस साल इंडिया की रैंकिंग 11th है। नेक्स्ट है 51 एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि स्थित है मनीला में, तो उसकी 51st जो मीटिंग, एनुअल मीटिंग जो हुई है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, तो इसका आंसर भी मनीला ही है और इनकी जो हेडक्वार्टर्स है वो भी मनीला में ही है। और प्रीमियर ऑफ न्यूई उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है मेंबरशिप ऑफ ADB के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि किस कंट्री के प्रीमियर ने हेल्प मांगी है, न्यूई इसका कंट्री के प्रीमियर ने हेल्प मांगी है ताकि वो मेंबरशिप ऑफ ADB उनको मिल सके। और इंडियन डेलीगेशन ने काफ़ी सारी कंट्री बायलेटरल मीटिंग की है काफ़ी सारे डेलीगेशन के साथ, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, ये सब है नॉर्डिक कंट्रीज़ में। देन OPEC फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फ्रेंच, ब्रिटिश, US, EIB डेलीगेशन के साथ इन्होंने काफ़ी डिस्कशंस किया था यहाँ पे। नेक्स्ट है, तो हमने जैसे यहाँ पे कहा कि ADB जो है वो 1966 में बनाई गई थी, इस्टेब्लिश हुई थी और उसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सेक्शन में कि मैंगलोर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है, आपको मालूम है कि इंडिया में फर्स्ट फेज में तीन पेट्रोलियम स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए जा रहे हैं, एक है विशाखापट्टनम में, दूसरा है मैंगलोर में और तीसरा है पुडूर में, ये फर्स्ट फेज में बनाए जा रहे हैं। तो जो हमने पहला अपना कार्गो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट किया है वो UAE से किया है, तो हमको ये पता होना चाहिए, तो हमारा आंसर है बी UAE। और UAE हम इज़ द सिक्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया एंड सप्लाइज अबाउट 6% ऑफ द टोटल पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट मिड टर्म 2018। इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तो यही है कि ये रिपोर्ट कौन जनरेट करता है, इसे यूनाइटेड नेशन खुद करती है, तो ये एग्जाम से पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट जो रिपोर्ट है उसे कौन रिलीज करता है, सेकेंड उसने इंडिया की GDP क्या प्रोजेक्ट की है, तो उसने इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की है 7.6%।
तो ये इतना ही पता हो जाए कि ये रिपोर्ट कौन जनरेट करता है तो उससे बहुत सारा काम हो जाता है, तो यूनाइटेड नेशन ने किया है। एक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन रेमिटेंसेस, तो ये भी ये वर्ल्ड बैंक ने किया है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन रेमिटेंसेस। उस पर कहा है कि 2017 में किसने टॉप मारा है ग्लोबल रेमिटेंसेस में। ग्लोबल रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस मीन्स कि अगर सपोज आप इंडिया के सिटीज़न हो, आप इंडिया में रहते हो और आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई बाहर चला गया, जैसे सपोज़ करी यूएई में वहाँ चला गया, वहाँ पे वो कमाता है और आपको नीचे आपको वापस कुछ पैसे भेजता है, तो जो पैसे वो वापस भेजता है थ्रू जो भी आपको जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी या किसी और इन तरीके के चैनल से, जो कि ब्लैक मनी या फिर गलत चैनल से ना हो, तो अगर वाइट मनी जो भी कह सकते हैं उन चैनल से अगर जो रेमिटेंसेस में पैसा आता है, तो उस पर टॉप मारा है इंडिया ने 2017 के लिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये रैंक्स जो है चेंज होती रहती है विद चाइना या फिर इंडिया, दोनों में से कोई एक टॉप मारता ही है, तो पिछले साल 2017 में इंडिया ने टॉप मारा है। नेक्स्ट है 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी काउंसिल। तो ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी कमीशन बैठेगी तो उसको एक एडवाइजरी काउंसिल की तो ज़रूरत होगी जो उसको वेरियस टाइप ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड कर सके। तो उसका काम क्या होगा एडवाइजरी काउंसिल का, कि जब भी कमीशन उसको किसी भी चीज़ के एडवाइस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहे, तो वो उसको एडवाइस करेगी और प्रिपरेशन ऑफ एनी पेपर और रिसर्च स्टडी में भी उनको हेल्प करेगी, और कमीशन के एम्बिट को, अंडरस्टैंडिंग को वो इंक्रीज़ करेगी ताकि नेशनल और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर सके। तो ऑब्वियसली एडवाइजरी काउंसिल है तो उसका काम है इस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को सपोर्ट करना ताकि उसके जो एम्बिट है और अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा सके। तो बस इतना ही पता होना चाहिए कि एडवाइजरी काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन होंगे, अरविंद विरमानी होंगे। तो बी आंसर है इसका, बस इतना ही पता होना चाहिए कि एडवाइजरी काउंसिल के को लीड चेयरमैन कौन करेंगे, अरविंद विरमानी। नेक्स्ट है साइंस के अंडर डिफेंस और साइंस शॉर्ट नोट्स जो है। पहला है नीपा वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये मई 2018 में केरला में ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया था कि नीपा वायरस वहाँ पे है। नीपा वायरस एक डेडली डिजीज़ है जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को मार देती है। तो ये स्प्रेड कैसे होती है, इज़ मेनली स्प्रेड इन माउथ, ये मुंह में होती है और अदर एनिमल्स में भी, विथ फॉल्स फ्रूट ईटन इन इन्फेक्टेड बैट्स। जो इन्फेक्टेड बैट्स हैं, जो चमगादड़ होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, वो किसी भी फ्रूट को अगर खा लेते हैं तो वो अपनी बीमारी उस फ्रूट में दे देते हैं, और उस फ्रूट को कोई एनिमल खा लेता है या फिर अगर कोई ह्यूमन बीइंग उस फ्रूट को खा लेता है तो फिर वो मर जाएगा। तो नीपा वायरस जो होता है वो, उसका नेचुरल होस्ट कौन है, फ्रूट बैट्स। तो जो फ्रूट बैट्स होते हैं, जो वो उनके नेचुरल होस्ट होते हैं, और जब भी when the fruit is infected with Nipah virus, when any fruit eats and the same fruit is consumed by any animal, then the animal also falls under the disease. और ये specially कहाँ animals पे किस किस को होती है, pigs और dogs को होती है। और अगर कोई human being भी इस तरीके के fruit को बिना wash किए खाता है तो उसको भी ये disease हो जाएगी। तो क्या ये पहली बार है कि इंडिया में नीपा वायरस फैला है, ऐसा नहीं है। नीपा वायरस जो है इससे पहले वेस्ट बंगाल में भी फैला था, सिलीगुड़ी में 2001 में और सेकेंड टाइम 2007 में। तो नीपा वायरस जो है एक न्यूली इमर्जिंग जूनोसिस डिजीज़ है। जूनोसिस मीन्स कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है, एनिमल से एनिमल में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है उसे कहते हैं जूनोसिस। और हमने ये भी देखा है कि नीपा वायरस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी कर रही है। और पहली बार नीपा कहाँ पे हुई थी, नीपा वायरस कहाँ आइडेंटिफाई हुई थी, तो ये पहली बार मलेशिया में एक जगह है नीपा, वहीं पे इसका आउटब्रेक हुआ था 1998 में, तो वहीं से उसका नाम हो गया है। और इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है, तो क्या इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द नीपा वायरस इन्फेक्शन। सो पहला स्टेटमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस इन्फेक्शन हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन केरला 2018। नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया वेस्ट बंगाल में। NIV वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन बांग्लादेश, नो, इन मलेशिया। नीपा वायरस हैज़ ऑल्सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, येस, एंड पिग्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस। सो
मतलब ठीक है, मतलब वायरस का नेचुरल होस्ट तो वैसे बैट से, फ्रूट बैट से, तो इसमें डी भी गलत है और बी भी गलत है और ए भी गलत है. तो आंसर है सी, नीपा वायरस ऑल्सो हैज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, क्योंकि इसके नेचुरल होस्ट है बैट्स, फ्रूट बैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेके वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गई है चांदीपुर के ओडिशा में, और ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब कि अगर ये लैंड है तो उस ये मिसाइल ऐसे लैंड के पैरेलल जाएगी. बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला शेप में जाती है और क्रूज मिसाइल पैरेलल टू द लैंड रहती है. और इसकी जो स्पीड है 2.5 से 3 मैक, मैक जो होती है स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट को मेजर करती है. ये स्पीड ऑफ साउंड, मतलब एक मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड होता है 320 से 330 मीटर पर सेकेंड. तो अगर अगर मैक है तो मतलब 2 × 330 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर. इट वॉज टेस्टेड ए टू एक्सटेंड इट्स सर्विस पीरियड, बी टू रिड्यूस इट्स सर्विस पीरियड, सी टू एंड इट्स सर्विस पीरियड. सो ऑब्वियसली ए टू एक्सटेंड इट्स सर्विस पीरियड. नेक्स्ट है, इसको बनाया किसने था ब्रह्मोस को. ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है DRDO का और रशिया के डिफेंस कंपनी का. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए ब्रह्मोस किन दो कंट्रीज के का है ये जॉइंट वेंचर, इंडिया और रशिया का. नेक्स्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म FIEO ग्लोबल लिंकर. तो FIEO ग्लोबल लिंकर है क्या, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है MSME एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो अपने बिजनेसेस को डिजिटाइज कर सके और अपने एक्सपोर्ट्स को वो ग्लोबल कम्युनिटी में प्रेजेंट कर सके, ताकि उनको ग्लोबल बिजनेस मिले. तो FIEO क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर MSME सेक्टर, तो हमको ये पता होना चाहिए. और ये इसलिए भी, जैसे हमने जैसे डिस्कस किया कि इंडियाज मल्टी फोकस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को एक्सपैंड करने के लिए है, ताकि जो आर्टिसंस हैं उनको कनेक्शन मिल जाए मार्केट का ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया के आर्टिसंस का, हाथ का बने हुए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए. तो इन MSME सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, और इसके लिए 300 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले. नेक्स्ट है, फेंग्युएन 209 सैटेलाइट. तो इतना पता होना चाहिए कि फेंग्युएन 209 सैटेलाइट किस कंट्री की है. तो ये चाइना का वेदर सैटेलाइट है, तो बस इतना ही पता होना चाहिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है, जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस ऑफ मालदीव्स. तो एक जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है सर्विलांस हुआ था मालदीव्स का, इंडियन नेवल शिप सुमेधा ने कोई डिप्लॉय किया गया है, ताकि वो अंडरटेक कर सके जॉइंट EEZ सर्विलांस ऑफ मालदीव्स. तो इस डिप्लॉयमेंट का मिशन है कि मिशन बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट्स, और इस EEZ सर्विलांस से क्या होता है कि दो जो भी कंट्रीज हैं वो अपने नेवी के ऑफिसर्स को भेजते हैं, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके और ट्रेनिंग्स को इम्पार्ट कर सके. तो इसीलिए है ये जॉइंट EEZ सर्विलांस ऑफ मालदीव्स, ताकि मालदीव्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे. तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है, तो दिस वेसल वॉज डिप्लॉयड फ्रॉम 9th to 17th May 2018. तो पहला लाइन ही कहती है तो ये सही है. देन दिस वेसल हैज़ बीन डिप्लॉयड टू मॉनिटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ मालदीव्स. नो, नॉट स्पेशल इकोनॉमिक बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक. तो इन्होंने ब्रैकेट में EEZ लिखा है, बट यहाँ पे स्पेशल लिखा है, स्पेशल नहीं होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो दिस डिप्लॉयमेंट हैज़ बीन डन एज अ पार्ट ऑफ नेवीज मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट. तो सी भी सही है, तो आंसर डी जो गलत है.
नेक्स्ट है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2018, ये किसके बीच में होती है? इंडिया और मलेशिया के बीच में, ये डिफेंस कॉपरेशन है तो हमें पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे हुई थी कंडक्ट? ये हुई थी मलेशिया में कंडक्ट इस बार। तो ये पहला पार्ट है वीडियो का जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम इसके सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, तो प्लीज़ आप इसका सेकंड पार्ट भी देखिए। और जून के सारे करंट अफेयर्स जो कि ई दृष्टि के है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि UPPCS अपकमिंग एग्जामिनेशन में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तो उसको ये हम बहुत जल्दी जल्दी इसे कवर कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और इसे कवर करिए। और आज का डिस्कशन इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका पार्ट टू भी आएगा तो उसे भी ज़रूर देखें। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच, एंड आई हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।